हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? हम तो अच्छे हैं। आशा करते हैं आप लोग भी अपने अपने घरों में सब अच्छे हों। और सुबह का टाइम है तो सुबह की सबको नमस्ते। सुबह सुबह जब उठते हैं तो काम करने को मन नहीं करता, पर करना तो पड़ेगा क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चों को भूखा प्यासा नहीं भेज सकते, तो ये तो उठना के करना ही पड़ेगा काम। तो मैं आज बना रही थी उनके लिए चीनी के पराठे, क्योंकि आज उन्होंने मना कर दिया था बच्चों ने कि मम्मी आज हम सब्जी नहीं लेके जाएंगे, चीनी के पराठे बना दो। तो मैं उनके लिए चीनी के पराठों की तैयारी कर रही थी। बच्चे हो रहे थे अपना तैयार। मेरे बच्चे बचपन से ही ऐसा है, बेचारो अपने आप ही तैयार हो जाते हैं, मुझे उन्हें तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मेरा काम किचन का रहता है तो मैं अपना खाना वाना बना के उनका रेडी कर देती हूँ और बच्चे हो जाते हैं मेरे अपने आप ही तैयार। तो ये मैं रात के बर्तन थे उन्हें उठा रही थी, क्योंकि रात को बस मांझ के रख दिए थे और मैं कि सुबह इतने सूख जाएंगे इनके टिफ़न, तो यहाँ से सब उठाना पड़ता है कि वो छोटी सी लेप है तो इस पे सारे सामान आ नहीं सकते, इसलिए सारे बर्तन मैं नीचे रख दिए थे टोकरे में। और फिर जगह हो जाएगी अच्छी तरह खाना बना के इनके टिफ़न विपन पैक करने की। और सुबह का टाइम तो ऐसा होता है कि मन भी नहीं करता उठने का। आज तो वैसे भी मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश आ रही थी तो ठंड लग रही थी, तो मैं अपना स्टॉल भी ओढ़ लिया था। बाकी आज तो ठंड लग रही है तो बस अपना लगे रहे काम पे। सुबह का काम तो करना ही पड़ेगा, देखो बच्चों को भूखा नहीं भेज सकते। और फिर बच्चों का दूध तो कर दिया था गरम, मैंने करके कप में रख दिया था उनके में। और फिर मैंने अपनी चाय रख दी थी, क्योंकि सुबह की चाय, देखो मन तो करता ही है सुबह को चाय पीना, क्योंकि सुबह की चाय मिल जाती है तो अपना जब तक काम करते तब तक भूख नहीं लगती एक तो। अब तो मैं अपना चाय बना के फिर इनके पराठे बना रही थी। आज तो मकी सब्जी तो बनी नहीं है तो अपना जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि चीनी के पराठे बनाने हैं वो तो मैं जल्दी जल्दी बना दूँगी। और ये कर दी थी मैंने उनके पराठे बनाने की तैयारी, क्योंकि पराठे सुबह उनके दो पराठे तो मुझे सादा बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सादा पराठे ये है सुबह नाश्ते में करके चले जाएंगे, फिर बाद में अपना चीनी के पराठे ले जाएंगे। आज तो मैंने आरुष के टिफ़िन में तीन पराठे दिए थे, क्योंकि उसके यार दोस्त भी साथ में मिलके खाते हैं तो जो गर्म मम्मी थोड़ी पड़ जाती हैं रोटी, तो मैंने एक एक पराठा सादा रखा और दो दो पराठे रखे उनके मीठे चीनी वाले। मैं कि चलो तुम सारे मिलके खा लेना। और फिर चली गई थी मैं बाहर, और यहाँ फिर मैं अपना काम करके बाहर आ गई थी। बाहर ये देख रही थी मैं कि बारिश आई है सारी रात, कभी अब भी पड़ रही हो, और बच्चों का टाइम हो रहा है स्कूल का, तो बारिश बंद हो गई थी उस टाइम पर जिस टाइम बच्चे तैयार हो गए थे। तो मैं इन्हें ये बता रही थी बेटा बारिश बंद है, अपना जल्दी तैयार हो जाओ, जिससे अपना टाइम से निकल जाओगे तो भीग नहीं पाओगे। तो बच्चे अपना तैयार हो गए थे कि मैंने इतने नाश्ता बनाया, इतने बच्चे तैयार हो गए और अपना बैग वैग सब लगा लिया था, तो बस इन्हें नाश्ता करने की देर थी तो इन्हें मैं घाल के रख दिया था मैं कि खा लेंगे अपना टाइम पे रेडी हो गए। और बच्चे हो गए थे फिर रेडी, रेडी करके मैंने इन्हें नाश्ता दे दिया था। ये अपना दोनों नाश्ता करने लग गए थे। यहीं पे हम सोते हैं, गर्मी गर्मी हम यहीं सोए थे क्योंकि अंदर ज़्यादा गर्मी लगती है। और यहीं इसके पापा जब सो रहे थे बच्चे जा रहे थे तो मैंने इनका टिफ़न भी दे दिया कि अपना पैक कर लो। फिर ये दोनों तैयार खड़े थे अपने दोस्त की बाट में, क्योंकि उसका दोस्त आ रहा था, क्योंकि ये तीन जने जाते हैं लेकिन इनका दोस्त दो ये हैं, तो अपना आराम से तीनों साथ साथ निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेट खोल के इन्हें सुबह सुबह निकाल दिया था, ये भी चले गए थे साथ में, तो मेरा काम यहाँ का ख़त्म हो गया। तो ये सब यहाँ से चले गए थे तो मेरा काम भी हो गया था इनके जाने के बाद में। मैं नहा धो ली थी, पूजा वूजा भी हो गई थी मेरी, और फिर यहाँ पे बैठ के मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर रही थी, क्योंकि इतने ये नहीं आए थे तो मैं बोली अपना ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लगता है बनाने में। तो इतने ये आने की तैयारी थी तो मैंने इनके कपड़ों पर प्रेस वेस करके फिट कर दिया, बस खाना खाना बनाना रह जाएगा। तो मेरा बहुत अच्छा टाइम कट रहा है इन चीज़ों के साथ साथ, घर का भी काम हो रहा है। अब हो गया हमारा काम ख़त्म, सारा ही कर दिया, देखो सब फिनिश है।
और इधर भी दिखाते हैं, ये देखो सारा काम खत्म हो गया। और बस मुझे एक ही दिक्कत है, हमारी रसोई बहुत छोटी है, तो इसमें मैं कुछ बनाना भी चाहूँ तो भी ढंग में बना नहीं पाती। और बाकी एरिया बहुत बड़ा है, ये देखो यहाँ से शुरू हुई और ख़त्म, बस ये रसोई। सब्जी भी बनाने रख दी है मैंने, और बाकी आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा क्योंकि बारिश आ रही है, ये देखो। और ये हमारे कल के कपड़े हैं, सूखे नहीं हैं इसलिए टांग रखे। यहाँ ये था कि सारा काम ख़त्म करके मैं बाहर ही आके बैठ गई थी, फिर कि बच्चों का वेट कर रही थी, बच्चे आने वाले थे, खाना पीना मेरा तैयार था सब, तो मैं अपना बच्चों का इंतज़ार करती रही। फिर बच्चे आ गए थे, उन्होंने खाना पीना खा लिया, फिर ये आराम से अपना टीवी देखते रहे, मैं अपना सिलाई करती रही। आज मैंने बारिश के चक्कर में अपने अंदर के सारे काम बंद कर दिए, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था कोई काम करने का, अंदर ऐसा मन कर रहा था बस बाहर ही बैठा रहो। तो ये सिलाई का था क्योंकि ये जाना था, तो ये मैंने रेडी कर दिया था। इतना बढ़िया मौसम कर दिया राम जी ने, मन लग रहा बहुत, आज ना कर रहा कोई भी काम करने को मन, ऐसा लग रहा बस थाल लोटी रहा चुपचाप। नहीं तो गर्मी में जो हो जाए तल बदल पसीनों में, बेकार बिल्कुल, किन्ने बनाए ये काम इतने। ऐसे ही बैठे रहे करते, ना कुछ करना पड़ता ना भूख लगे करती। पता नहीं किसकी बाइक आई है, फों फों यहीं करेगी आके। देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, बच्चे अंदर काम कर रहे हैं, और कपड़े पड़े मेरे बहुत सारे पैक करने के लिए, पर मन नहीं कर रहा जाने को अंदर बिल्कुल भी, ऐसा जी कर रहा ही बैठे रहो बस। तो हमारे यहाँ तो बारिश आ रही है बहुत अच्छी, और मौसम आज काम नहीं करेंगे, आज हम ऐसे ही बात करेंगे, ऐसे ही बतलाते रहो बैठ कर, सब ऑनलाइन हो करता सारा काम। कितना अच्छा होता, ना खाते ना मेहनत करनी पड़ती, बस ऐसे ही बैठे रहो। हाँ तो मज़े आ रहा है। कैसी पागल हूँ मैं, कैसी बतला रही हूँ। ठीक है, तो अब वीडियो का एंड करने को मन ना कर रहा, पर थोड़े से कपड़े हैं उन्हें तय करके, पर कोई बात नहीं आज नहीं करती मैं कुछ भी काम, तो अब करेंगे हम अपने वीडियो का एंड। अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना। बाय, और मौसम का मज़ा लेना, ठीक है, और सब खुश रहना।